तो आज हम देखेंगे जो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड है उसका जो प्रोसीजर है वो कैसे है और इसको कैसे सॉल्व करते होते हैं। तो इसमें हम दोनों मेथड से देखेंगे कि डिमांड और सप्लाई इक्वल हैं, और जो इसमें डिमांड और सप्लाई इक्वल नहीं होते हैं तो हम कोई डमी इंट्रोड्यूस्ड कराते हैं जिसके अंदर उसे मज़ीद सॉल्व करते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट हमारे पास देखें कि फर्स्ट पॉइंट है वो कहता है स्टार्ट द प्रोसीजर फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर सेल। हमने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से ही स्टार्ट लेना है, उसके बाद एलोकेटेड लीस्ट वैल्यू बाय द कंपेयरिंग डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड और सप्लाई दोनों को हमने कंपेयर करना है, जो लेसर वैल्यू होगी उसको हम एलोकेट कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है ऐड द प्रोडक्ट्स ऑफ ऑल एलोकेटेड सेल्स। जो एलोकेटेड सेल को हमने प्रोडक्ट दिए हैं उनको हमने क्या कर देना है, ऐड कर देना है। जैसा कि हमारे पास मल्टीप्लाई द एलोकेटेड वैल्यू विद द कॉस्ट ऑफ पर्टिकुलर सेल एंड फाइनली ऐड ऑल द प्रोडक्ट्स, यानी कि हम जब उनको एलोकेट कर देते हैं डिमांड और सप्लाई में से तो फिर उनको आपस में मल्टीप्लाई कराते हैं जो सेल्स होते हैं, और उनको प्लस करके हम उसमें से टोटल जो कॉस्ट होती है वो फाइंड आउट करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि डिमांड और सप्लाई जिसमें इक्वल होती है वो कैसे सॉल्व करते हैं, और जिसमें डिमांड और सप्लाई इक्वल नहीं होते उसको भी हम देखते हैं।